चैप्टर हमारा काम चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ सम है, स्टेटमेंट सम है। हमें दिया हुआ है कि टैक्सी चार्जेस इन द सिटी, उसमें दो तरह का चार्ज होता है, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, एक तो बेटा फिक्स चार्ज है और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज है, ठीक है, प्लस पर किलोमीटर चार्ज, यानी दोनों चार्जेस को मिला के टोटल चार्जेस टैक्सी का लेते हैं। यानी जब आप टैक्सी में बैठते हो तो एक तो फिक्स चार्ज में लेता है, इतने पैसे मैं लूंगा टैक्सी में बैठने के, और जितने किलोमीटर आपका सफर होगा पर किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसे लूंगा। तो उसमें हमें दो इक्वेशन दी हुई है, दो मतलब उसमें एग्जाम्पल है। एक आदमी उस टैक्सी में 10 किलोमीटर का सफर तय करता है तो वो 105 रुपीज देता है, और दूसरा आदमी उसी टैक्सी में 15 किलोमीटर का सफर करता है तो वो ₹155 देता है। तो हमने फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर चार्जेस दोनों पता करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हम लेट द फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स, हम एक्स रुपीज का फिक्स चार्ज ले लेते हैं और पर किलोमीटर चार्ज जो है वो रुपीज वाई ले लेते हैं। तो 10 किलोमीटर के लिए एक्स तो उसने फिक्स चार्ज ले लिया और 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 वाई उसने वाई रेट है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो गया, तो ये रेट टोटल बनेगा 105। ये हमारी एक नंबर इक्वेशन बन गई। और दूसरी फिक्स चार्जेज एक्स है और वो 15 किलोमीटर जाता है, तो उसमें 15 वाई और देगा इक्वल टू 155। तो ये दो हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई, इनको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें पहले में एक्स की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10 वाई, तो इसमें पुट कर दो, दूसरे में एक्स की गैप ले दिया 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इजिकल टू 155, और यह गया 5 बाई 15 वाई, बड़े हैं 10 वाई छोटे हैं, तो 5 बाई आ गए 155 माइनस, ये 105 ये जाके माइनस हो गया, तो 5 बाई इजिकल टू आ गया, इसमें से जब माइनस किया तो आ गया 50 रुपीज, तो वाई की कीमत आ गई 50 ओवर 5, दैट इज ₹10। तो एक्स की वैल्यू इसमें एक्स इक्वल टू है 105 माइनस 10 वाई, यह आ गया 105 माइनस 10 इंटू 5, यह आ गया 105 माइनस 50, तो ये आ गया 55 रुपीज। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू, फिक्स चार्जेज आ गया 55 और पर किलोमीटर चार्ज आ गया 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये सम हो गया, ठीक है, मतलब हमें स्टेटमेंट दिया है कि फिक्स चार्जेज एक्स लेना फिक्स में मतलब और पर किलोमीटर के चार्जेस से अलग है, 10 किलोमीटर का वो देता है 105, यानी फिक्स चार्जेज और पर किलोमीटर मिला के टोटल 105 देता है, दूसरा फिक्स चार्जेज और 15 किलोमीटर का पर किलोमीटर चार्ज मिला के देता 155। उसके हिसाब से आपने ये दो इक्वेशन बना ली हमने और उसको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया, तो एक्स हमारा 55 आ गया और वाई हमारा 5 रुपीज पर किलोमीटर आ गया। थैंक यू।